सर, अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो है बैंक लगातार बंद थे, जिसकी वजह से माल का आना जाना ठप पड़ा हुआ था। और फिर बैंक बंद हो गए हैं तो कारोबार तो पहले ही से ढीला है, और पता चलेगा कि कमर टूट गई। इसलिए हम चाहते हैं कि जो है इमरजेंसी में बैंक कुछ दिन। आज 30 तारीख है, आज कार्तिक पूर्णिमा वो गुरु नानक जयंती की छुट्टी है। 25 को नॉर्मल से फोर्थ सैटरडे है और संडे को 26 को संडे को नॉर्मल हॉलीडे, संडे का छुट्टी, इसीलिए 3 दिन बैंक में। अब सोमवार से बैंक का काम हो, यस, नॉर्मल काम शुरू हो गया। ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है सर, क्या क्या टोटल लेन देन चेक से ही करना है, इस वजह से 3 दिन उधर बहुत 3-4 दिन बैंक बंद रहा, फिर इधर 3 दिन फिर बैंक बंद है, इस वजह से लेन देन में और प्लस क्या नाम है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस में लेन देन हो ही नहीं पा रहा है। बैंक बंद होने के बंद होने से आपके बिजनेस में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब कस्टमर भी अगर जो आ रहे हैं वो कुछ ही लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो चेक से लेन देन करना जानते हैं या ट्रांसफ़र करना, इस वजह से कैश के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है।